पुष्पा जी, हमें आपसे ही उम्मीद नहीं थी. आपको दिखाई नहीं देता है, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई. हम डर गए थे मैडम सर. हमें लगा अगर आपको पता चल गया हमारी आंखों के बारे में तो आप हमें ड्यूटी के लिए अनफिट मानकर हमें घर पे बिठा देती, हमारे हाथ में वीआरएस थमा देती और रिटायरमेंट से पहले ही हमें घर बैठ जाना पड़ता. अगर ऐसा होता तो हम तो जीते जी मर जाते ना. हम कैसे रह सकते थे आप सबके बिना. वैसे भी मैडम सर, बस ये एक महीने की तो बात है. डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर हम दवाइयाँ ठीक से लेते रहेंगे तो हमारी आंखें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी. तुम क्या अपना सर हिला रहे हो? तुमने भी इनका साथ दिया है. अच्छे से जानते हो ना कि गलत का साथ देना भी उतना ही गलत होता है. मैडम सर, जानते हैं कि हम बहुत बड़का गलती कर दिए, लेकिन क्या करते, इनका नमक खाए हैं, इनको कैसे मना कर सकते थे हम मैडम सर. क्या? हाँ खाए हैं, दाल सब्जी चटनी पकौड़ी लाती है तो सब खाते है ना. और मलाइका इतना बढ़िया खाना बनाती है ना कि क्या बताएं मैडम सर. उसका पकौड़ी और आंवला का चटनी आप ट्राई कीजिए आप. सॉरी सॉरी मैडम. क्या कर रही हैं आप खड़े होकर? बातें सुन रही थी. वाओ, सो ऑनेस्ट. थैंक यू. अब आप अभी के अभी एक टांग पर खड़ी हो जाइए और जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती आप एक टांग पर ही खड़ी रहेंगी. मैडम सर, वो मेस में पानी का प्रॉब्लम है ना, तो बाल्टी लेके ऊपर जा रही थी तो राइट पैर में मोच आ गई, मुड़ गया था तो लेफ्ट पैर पर खड़ी रहूं. ये मासूमियत. तुम्हें मुर्गा बनना है? नहीं मैडम सर, बिल्कुल भी नहीं. सॉरी मैडम सर. गुड, खड़ी रहिए ऐसे. तो कहाँ थे हम पुष्पा जी? अब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए. हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते थे इसलिए हमने हमारी आंखों की ये बात आपसे छुपाए रखी. क्या पुष्पा जी? नहीं, हमको भी नहीं पता चला मैडम सर. जय जीते. क्या पुष्पा जी, आप नोच क्यों रहे हैं हमें? चूटी क्यों काट रही हैं आप? अरे हम चूटी नहीं काट रही, ये कुछ लगा था ये हटा रहे थे. हम चूटी काय काटेंगे, टोपा थोड़ी है हम. ये चल रहा था इतने दिनों से, घर इसलिए नहीं आ रही थी कि भाई लल्ला को पता ना चल जाए, है ना पुष्पा जी? क्योंकि लल्ला आपको ड्यूटी पे नहीं आने देते ना. ये तो कल रात को हमारे सर में ना एकदम से दर्द उठा तो हम अपना दवाई. सॉरी सॉरी. तो हम ये बता रहे थे कि हमारे सर में दर्द उठा ना मैडम सर, तो हम दवाई लेने गए. वहाँ हमारा वाइटामिन का जो गोली हम रखते हैं वो गायब था. वहाँ हमको ये मिला, ये देखिए, ये आँख का दवाई. पुष्पा जी आपका है ना? यही है हमारी दवाइयाँ. ये दवाइयाँ घर पर थी जी. हे भगवान, तो फिर इतने दिनों तक हम कौन सी दवाइयाँ खा रहे थे? हमारा वाइटामिन चबा रही थी आप इतने दिनों से. तभी हम सोचे इतने दिनों से दवाइयाँ खा रहे हैं फिर भी हमारी आंखों की रोशनी ठीक क्यों नहीं हो रही है? ये क्या किया शिव जी आपने? अब ये जो दवाइयाँ ना ये चबाइए, आंखों की रोशनी वापिस आ जाएंगी. ठीक है पुष्पा जी? हाँ हाँ हाँ. पुष्पा जी आप इतना ही समझ पाई हैं हमें? आपको सच में ऐसा लगा कि अगर आप हमें सच बता देती तो हम आपको नौकरी से निकाल देते? एक बार सच कहकर तो देखती. हम एक टीम है पुष्पा जी, हम आपकी मदद करते. भूल हो गई मैडम सर. अब हो गया सो हो गया. अब आप अपनी सारी दवाइयाँ टाइम पर लीजिए और डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन दे वो सब अच्छे से फॉलो करिए जी. और जहाँ तक बात है रमित वाले मामले की, तो गलती तो आपसे हुई है पुष्पा जी. और अब अगर आप ये गलती मानेंगी ना तो मीडिया और पब्लिक हम पर प्रेशर डालेगी आपको नौकरी से निकालने का. अब मैडम सर, ऐसी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए. सॉरी. तुम सीधा नहीं खड़ी रह सकती हो क्या? सॉरी. एक ही तरीका है, अगर किसी तरीके से टोनी अपनी गलती मान ले और ये स्टेटमेंट दे दे कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और ये कहे कि पुष्पा जी आधा झगड़ा हो जाने के बाद इन्वॉल्व हुई थी और इस गलत फहमी में आकर उन्होंने रमित को पकड़ लिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. पर नहीं मैडम सर, आपको लगता है कि ये टोनी जैसा घटिया और अड़ियल आदमी ऐसा स्टेटमेंट देगा? देना तो उसे पड़ेगा, गलती की है उसने तो सबक तो सीखना ही पड़ेगा. सड़क पर किसी की भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये अब हम उसे सिखाएंगे. ठीक है मैडम सर, उसको समझाएंगे, उसे FIR खारिज करवाएंगे ताकि हम प्रतियोगिता में लास्ट नंबर पे ना आए. अब सबके दिमाग से अभी तक प्रतियोगिता का भूत नहीं उतरा है. करिश्मा सिंह,
सबसे पहले ड्यूटी, बाकी सब कुछ बाद में, क्लियर? जी मैडम सर। आप सब जा सकते हैं। जी संतोष शर्मा। हाँ? आप भी। हाँ, थैंक यू मैडम सर। दर्द हो गया क्या पैर संतोष जी? करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। आप ठीक है ना? आप इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? पुष्पा जी मैडम सर, क्या बताएं हम, पुष्पा जी का भी छज्जे पे सारा सामान रख दिया उन्होंने, वो उतार रहे थे हम, वो पूरा ट्रंक हमारे पैर पे आके गिर गया, तो थोड़ा सा, पर ठीक है, वो एक दो दिन में ठीक हो जाएगा मैडम सर, कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक, हम जाएं? जी। जय हिंद। जय हिंद। इतना दर्द हो रहा है तो एक जगह खड़ी रहिए फिर, और बताएंगे हम किसका इंतजार कर रहे हैं? वो मैडम सर, हमने जांच पड़ताल किया टोनी के केस में, तो हमको पता चला कि टोनी का जो वाइफ है वो खुद उसकी गाड़ी में उसके साथ बैठना पसंद नहीं करती है। तो फिर कैसे जाती है वो? बस वो आने वाली होंगी, वो आपको बता देंगे। मैडम सर आ गई। रिक्शा में? नमस्ते मैडम, मैं सुनी थी टोनी की वाइफ म्यूजिक टीचर। आपके पति ने हाल फिलहाल रमित नाम के आदमी के अगेंस्ट एक FIR की थी, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने पति टोनी के साथ कहीं साथ में ट्रैवल क्यों नहीं करती? देखिए मैडम, मैं ठहरी एक म्यूजिकल टीचर, सीधी साधी, नाजुक, कोमल और सेंसिटिव सी औरत। अब ऐसे में मेरे हस्बैंड हर जगह पे मार पीट गाली गलौज करते हैं, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। ऊपर से मेरा 19 साल का बेटा, अब वो जब इन्हें सबके साथ इस तरीके से मिसबिहेव करते हुए देखता है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हुए देखेगा, तो वो क्या सीखेगा? यही सब बेसुरी बातें ना, इसलिए मैं उनके साथ गाड़ी में कहीं पे भी जाना अवॉइड ही करती हूँ। ठीक है, हम आपकी सारी बातें समझ गए, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपके पति को ये सिखा देंगे कि इस तरह से सड़कों पर लड़ना झगड़ना गाली गलौज करना कितना गलत है। हो सकता है कि हम कुछ ऐसा करें जो देखने में बहुत बड़ा लगे, लेकिन वो होगा सिर्फ एक नाटक, इसलिए आप घबराना मत और हमारा साथ दीजिएगा। जी। आप जा सकती हैं और उसके बाद इत्मीनान से अपने पति के साथ गाड़ी में बैठ भी पाएंगी। बिल्लू को बुलाइए। दिखाई नहीं देता तुमको? टोनी को भरसक करता है रे। अबे हां, अभी दिखने रहा है, सिग्नल है, ग्रीन हो जाएगा तो साथ में चलेंगे बेवकूफ। पापा आपको बेवकूफ बोला? टोनी नाम है मेरा। बेवकूफ बोला, बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ। अरे टोनी नाम है मेरा। ऐसे टोनी मार दूंगा टोनी को। पीछे हटो तुम मेरे पापा से। तुम दूर रहो अपने बाप से। हटो। ले ले क्या? क्या लेके? हथियार। देख ले क्या लेके आता है। मेरे पास भी हथियार है बेवकूफ। टोनी नाम है मेरा। मैडम, ये आपका हर बार का है, केस के चक्कर में अस्पताल के केस के पेपर मेरे हाथ में आ जाएंगे, मैं फिर से पीटूंगा। नहीं मैडम। देखो बिल्ले, ऐसा ही करना तो पड़ेगा, क्योंकि बात आ गई अब थाने की इज्जत पे, और थाना की इज्जत के लिए हम लेटे हैं स्टिक्की में। अमा लड़ो जाके, मारो सबको, नहीं तो बिल्लू निवास हाथ से निकल जाएगा तुम्हारे। ये लो, अमा जाके लड़ो, जाओ। जाना। मार। अच्छा। मार। सच्ची मैया की सासू मैया, चूरन गिरी करने में ना एक नंबर है ये बिल्ला। बंद करके चला गया। ये तो लगता है कि निकल लिया, चल बगल वाले नाले में इसको फेंक देते हैं। करिश्मा मैडम को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं मैंने टिक्की लॉक तो नहीं कर दी? एक मिनट रुको, क्या चल रहा है यहाँ पे और क्या हो रहा है? ये
अम्मा ये तो मर गया, क्या किया यहाँ पे, क्या हो रहा था और कौन है, किसने देखा, तुमने देखा है क्या? हाँ मैडम मैंने देखा, इसी लड़की ने मारा है। तुम गवाही दोगे? बिल्कुल देंगे, गवाही नहीं देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, तुम तो गए अब लंबे। ओपन एंड शट केस, ये साबित हो चुका है कि इस लड़के की पिटाई की वजह से ही उस आदमी का मर्डर हुआ है। आपका बेटा गया उम्र कैद के लिए सर, ले जाओ इसे। जी मैडम। का चल अंदर चल। हो गया पापा। एक ही बेटा है मैडम, उससे गलती हो गई। आपको जो कहना है आप कोर्ट में कहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम प्लीज मैडम, उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी गलती हो जाएगी उसे। मैडम प्लीज छोड़ दीजिए उसको। कभी सोचा है आपने कि इस तरह के रोड रेज के कितने केसेस होते हैं हर रोज? लोग छोटी छोटी सी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, एक मिनट के गुस्से के जुनून में आकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। मिस्टर टोनी, आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़क पर उतरते हैं तो क्यों आप ही के साथ ये सब होता है, क्यों सब आप ही से आकर उलझते हैं? क्योंकि ये सबसे लड़ते हैं, इनमें पेशेंस ही नहीं है। स्टेयरिंग हाथ में आते ही पता नहीं खुद को सड़क का मालिक समझने लगते हैं। अपने अलावा इन्हें हर किसी की गलती नजर आती है। आज मेरे बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ये भूल गया था कि क्षण भर का गुस्सा किसी की जान ले सकता है और किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज जब मेरे बेटे पे पड़ी है तब मुझे पता चला कि सड़क पर जो मैं मारपीट करता था उनके परिवार पर क्या गुजरता होगा। मेरे कारण ही इस लड़के की आज ये हाल हुई है। भाई मुझे माफ कर दे भाई। मैडम मैं FIR वापस लेना चाहता हूँ। मैं स्टेटमेंट लिख कर देना चाहता हूँ, उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी थी। जी मैडम। अब आओ तुम बाहर आओ। संतोष शर्मा, इनका स्टेटमेंट लिखो और साइन लो। जी मैडम। वो तो अच्छा हुआ आपने समय रहते हमारी दवाइयाँ हमें वापस दे दी, अब तो हमें ठीक ठाक दिखने भी लगा। हाँ ज्यादा कूदिए मत पुष्पा जी, वरना बाहर वाले लोगों को भी पता चल जाएगा कि आपको दिखाई नहीं देता है। बता दे हमने एक छोटा सा नाटक किया था आपकी आंखें खोलने के लिए, आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है। बिल्लू आ, आ, चला। मैं हूँ। बहुत मैडम बहुत। आपके बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है, हमारे कहने पर बिल्लू ने मरने का नाटक किया था। एक मिनट, भले ही ये नाटक था लेकिन एक चीज आप हमेशा के लिए याद रखिए, बच्चे हमेशा माँ बाप से ही सीखते हैं। आप जैसी नींव रखेंगे इमारत वैसी ही खड़ी होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बड़े होकर उन्हें कैसा इंसान बनाना चाहते हैं। रमित, हमें लगता है तुम्हें भी इन्हें माफ कर देना चाहिए। जी मैडम सर, आप बिल्कुल सही कह रही है, हमने इनको माफ किया, लेकिन मैडम फिर भी हमें इनके खिलाफ रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। अब वो क्या है ना कि बिना FIR किए हमें हमारी कार का इंश्योरेंस क्लेम कर ही नहीं सकते, तो रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। हाँ लिखाओ, मेरी गलती है ना तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ। ठीक है लिखवा दो रिपोर्ट। मैडम सर, प्रतियोगिता का आखिरी दिन है कल। हम पहले भी कह चुके हैं हमारा सबसे पहला कर्तव्य है हमारी ड्यूटी, वही है हमारी असली जीत। पुष्पा जी मैडम सर। नहीं आप रहने दीजिए, संतोष शर्मा रिपोर्ट लिखिए। एक मिनट संतो। मैडम सर हम लिखते हैं ना FIR। जरा एक मिनट। हाँ मैडम सर। क्या बात है पुष्पा जी, गुड ऑल द बेस्ट। जी चलिए आइए बैठिए।
हम आपका स्टेटमेंट रिपोर्ट करें। बैठो बैठो। चलिए बैठ। मैडम ये ना केस आपको कयामत जी बनकर ही सॉल्व करना था बाहर का बाहर। अभी देखो एक रिपोर्ट गई तो एक रिपोर्ट आ गई, ऐसे ही होता रहा ना तो हारने के लिस्ट में हमारा थाना लास्ट में आएगा, फिर थाना बंद। थाना तो हम किसी हाल में बंद नहीं होने देंगे। अभी हमारे पास एक हुकुम का इक्का बाकी है और वो ऐसा इक्का है ना कि पूरा काया पलट देगा। सर आपने अचानक से हमें इस तरह बुलाया, सब खैरियत ना? जी जी सब खैरियत है। अच्छा ये बताइए कि आपको ये कैबिन कैसे लग रहा है? अब वैसा ही लग रहा है सर जैसे हमेशा लगता है, मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये हमसे पूछ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि जो चीज कुछ दिन पश्चात आपकी होने वाली है हम उसके बारे में आपसे ही पूछेंगे ना। सर ये डीएसपी का केबिन है और हम महिला पुलिस थाने के एसएचओ हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप? चिंता मत कीजिए, हम आपको डीएसपी की जिम्मेदारी नहीं सौंप रहे। बात दरअसल ये है कि हमने आईजी साहब से आपका स्थानांतरण यहां इस मुख्यालय में करने की प्रार्थना की है। सर लेकिन हमारा तबादला होगा ही क्यों? आपको इस बात का थोड़ा तो अंदाजा होगा ही हसीना जी कि थाना प्रतियोगिता के नियम के अनुसार अगर आपका थाना अंतिम आता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा, और आपको तो आपके थाने की स्थिति पता ही है, तो ना चाहते हुए भी थाना प्रतियोगिता का परिणाम आने के बाद हमें महिला पुलिस थाने पर ताला लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी नियुक्ति यहां इस पुलिस मुख्यालय में होगी। माफ कीजिए सर लेकिन हमें अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, लेकिन उस महिला पुलिस थाने में सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ एक पूरी टीम है। अगर थाना बंद हो गया तो उन सब का क्या होगा? हमें बड़ी प्रसन्नता होती है हसीना जी कि हमारे विभाग में आप जैसी अधिकारी है जो स्वयं से पहले अपने साथियों के बारे में सोचती है। क्या बात है हसीना जी, आप परेशान लग रही हैं? नहीं सर, हम बस ये सोच रहे हैं कि वो महिला पुलिस थाना जिसमें हमने इतना वक्त बिताया, अपना अस्तित्व झोंक दिया उसे बचाने के लिए, कुछ दिनों में शायद उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप बहुत भूली हैं हसीना जी, आपने हमेशा जज्बात का आंचल पकड़ रखा और आपकी इसी ईमानदारी का फायदा उठाकर कोई और ले गया। इस दुनिया में जीतना जरूरी है, तरीका सही हो या गलत कोई मायने नहीं रखता। नहीं सर हम ये नहीं मानते, उस जीत का फायदा ही क्या जिसके बाद हम खुद से नजरें ही ना मिला पाए, इससे तो हार बेहतर है। इसी कारण तो हम आपके प्रशंसक हैं, हमारा मतलब है आपकी विचारधारा के। कल की प्रतियोगिता के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है हसीना जी, हर बार आप हमारा दिल जीत लेती हैं। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर, किधर? जय 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 हिंद। गुड मॉर्निंग चीते। किधर है मैडम सर? बताइए, वैसे पूरा दिन आपका चप्पर 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 चालू रहता है, अब हम जब काम का बात पूछेंगे ना पुष्पा जी से तो कुछ नहीं बोलेंगी। कहाँ है मैडम सर? कहाँ बकैती चल रहा है ये? हाँ अच्छा, चलते चलते गए बर्गर खाने। सेव बना रही है, सेव बना रही है। नहीं चीते, पुष्पा जी दिल बना रही है, दिल की कुछ बात करनी है आपको? इस उम्र में आप इतना रोमांटिक मत होइए पुष्पा जी, हमें बताइए कि मैडम सर किधर है? नहीं एक मिनट करिश्मा मैडम, आपने पूछा मैडम सर कहाँ है, पुष्पा जी दिल बना रही है, मतलब ऐसा कि कुछ कहीं मैडम सर का जहाँ दिल लगा हो। मैडम सर डीएसपी सर के ऑफिस गए हैं उनसे मिलने के लिए। तुम भी टोपा हो का संतू, हाँ कुछ भी बकैती कर रही हो तुम भी इनके जैसी, ये देखो देखो ये भी मना कर रही है, ये बात नहीं है। कहाँ मैडम? मैडम सर डीएसपी सर के ऑफिस गई है। तो ये खुद अपने मुंह से काय नहीं बोल रही है ये बात? करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, भले ही पुष्पा जी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही है लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये हमको चिता चतुर्वेदी को पता है। तो हम लोग महिला पुलिस थाना कंपटीशन जीत जाएं, इसके लिए पुष्पा जी मौन व्रत रखी हैं।
हैं? देख भी लौटे, देख देखे। वाह का बात है, का बात है। आपने मौन व्रत रखा है हमारे थाने के लिए, हाँ? इतना बड़ा बकैती करके बैठी हैं आप। कुछ नहीं होता है व्रत व्रत रखने से। मैडम सर के उसूल और उनके जज्बातों के वजह से ना हमारा थाना ना बंद होने की कगार पे आ चुका है। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। बुलबुल पांडे जी, कैसा आना हुआ आपका यहाँ? हमने सोचा कि आखिरी बार इस पुलिस थाना का दर्शन कर लेते हैं। मिठाई देने आए, कहा कि बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के बाद हमारे थाने में सेलिब्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा, जश्न होगा। समय नहीं ना होगा हमारे पास आप लोगों के पास आने के लिए, इसलिए एडवांस में ही आपके लिए मिठाई लेके आ गए। कहा कि आप सबका जवान बहुत कड़वा, तो एडवांस में हमारा जीत का मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा आपका जिंदगी में मिठास आ जाएगा। बुलबुल पांडे जी, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? हमने सोचा कि आखिरी बार इस पुलिस थाना का दर्शन कर लेते हैं। का है, तू मरने वाला है का, जो आखिरी बार देखने आया है थाने को? ऐसा है ना सर, कि अगर ये बात हम बोले होते आपकी जगह, तो ये लोग हमको ऐसे बोलते। बताइए ना सच सच, आप यहाँ काहे आए? मिठाई देने आए थे। कहा कि बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के बाद हमारे थाने में सेलिब्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा, जश्न होगा। समय नहीं ना होगा हमारे पास आप लोगों के पास आने के लिए, इसलिए एडवांस में ही आपके लिए मिठाई लेके आ गए। कहा कि आप सबका जवान बहुत कड़वा है, तो एडवांस में हमारा जीत का मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा आपका जिंदगी में मिठास आ जाएगा। अरे चुप कर, करेले के सबसे कड़वे जूस, नीम के सबसे कड़वे पत्ते, तू हमको मिठाई खिलाएगा तू? ऐसा ये लोग तुमको कहते अगर तुमने कहा होता तो। ये पुष्पा जी भरतनाट्यम काहे कर रही ना, मतलब आज उनका बोलती काहे बंद है ना, मतलब अच्छा है, हारने वालों का आप चुप रहना ही शोभा देता है। पुष्पा जी का मौन व्रत है सर, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो क्या है ना अभी तक रिजल्ट आया नहीं, क्या पता बाजी पलट जाए। बाजी पलट जाएगा कैसे? एफआईआर बुक रजिस्टर देखिए, बाजी कैसा पलटेगा, इतना सारा जो एफआईआर लिखा है पूरा रजिस्टर भर गया है, बाजी पलटेंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग हारोगे और थाने पे लगेगा ताला, समझे? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारा जीत का जश्न में शामिल हो, समझे? ए मिठाई दे, अच्छा लगता अगर आप लोग ये मिठाई हमारे सामने खाते, ठीक है बाद में खा लीजिएगा। अभी नहीं खाना, बाद में खाना है। नहीं खाना। अच्छा नहीं खाना। थाना कंपटीशन तो हारी गई। पुष्पा जी को क्या मिला मिठाई कचरे में डालकर? अब बारी है हमारे हुकुम के इक्के की बिल्ले, जो होगा ना कयामत से कयामत तक होगा। आना जरूर। का बात है, का लिखे हैं बुलबुल बेस्ट, पर ये थोड़ा टिपिकल सा है बे, कुछ ऐसा महान सा जैसे कि निर्लज्ज बेहुदा काम चोर। हमारा मतलब है सर कि ये केक अगर हमारे नाम का होता तो आप कुछ ऐसा ही लिखवाते ना। हाँ ठीक है ठीक है, एक फ्रिज में रखवा दो, जाओ। आज की ताजा खबर, बुलबुल पांडे चल बसे है
आज की ताजा खबर बुलबुल सर, हमारे शहर में एक खूंखार क्रिमिनल आ गया है, उसको सरेंडर करना है, तो प्लीज आप उसको अरेस्ट कीजिए। कौन है? हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है उनका नाम है कयामत जी। आज की ताजा खबर कयामत जी आ गई, भागो। अरे ये हमारे तरफ कहाँ आ रही है भाई? बुलबुल का बुलबुला निकाल ले। अबे तो भाग। अरे ऐसा कोई केक काटता है क्या? आज की ताजा खबर अब समझे हम किस लिए बोल रहे थे ये खूंखार है क्रिमिनल। हमें कुछ करना, बचाना। कर रहा हूँ। अब चल रुमाल निकाल। हाँ ले 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 ले। मैंने जस्ट अभी बहुत बड़ा क्राइम किया है, मैंने तुम्हारे थाने में आके तोड़फोड़ की है, इतना काफी है या फिर और क्राइम करूं एफआईआर के लिए? लिखो एफआईआर लिखो, इनका क्राइम लिस्ट इतना लंबा है कि आप उनके सामने बौ नहीं दिखोगे। लिखो जल्दी लिखो। अब बताइए आपका नाम क्या है? अरे पूरा नाम उनका कयामत तक है, क्या करेगा? पूरा नाम लिख के नहीं लिखना एफआईआर, चुप रहे, हम समझा रहे हैं। देखिए भांजी, इतना टंडा तो हमारा पिताजी ने पूरा जिंदगी में हमको नहीं दिखाया है जितना आपने हमको पिछला 5 मिनट में दिखा दिया है। देखिए भांजी, अब प्लीज कुछ मत करिए। हम समझ गए हैं, हम दोनों समझ गए हैं कि आप अव्वल दर्जे की खूंखार क्रिमिनल है। लेकिन भांजी आप भी थोड़ा समझिए ना। ये देखिए एफआईआर रजिस्टर में एक भी एफआईआर नहीं लिखा है। एक भी एफआईआर अगर लिखा ना तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगा, इसलिए हम इसमें एक भी एफआईआर नहीं लिख सकते। अरे आपको एफआईआर लिखवाना है तो आप महिला पुलिस थाने जाइए ना, वहां पे आपके खिलाफ एफआईआर जरूर लिखेंगे। अरे हम हमारे यहाँ के सारे जो केस है वही तो भेजते हैं महिला पुलिस थाने और वो लोग उसे सॉल्व भी कर देते हैं यूं चुटकियों में। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, तुमको मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना था ना? हाँ। चलो बाहर। ठीक है निकलते हैं, आज की ताजा खबर, आज की ताजा बियर लेके चलते हैं। आते रहिएगा बहन जी। क्यों? सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ना तुमने। मैडम बिल्लू निवास की कसम, ऐसा रिकॉर्ड किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दे गई। मजा आ गया बिल्ले, मजा आ गया। पुष्पा माँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझे ही कोल्ड ड्रिंक का ना थोड़ा सा नशा नहीं कोल्ड ड्रिंक पी के देखो। मौन व्रत माँ, तुम भी ये मौन व्रत तोड़ दो और कोल्ड ड्रिंक है, दो घूंट ले लो, खुशी है ना, खुशी। ठीक है मैं अपनी खुशी खुद मनाता हूँ। क्या हुआ, क्यों
कल ये अपना महिला पुलिस थाना कंपटीशन जीतने वाला है, उसकी खुशी। यस। कैसे चमत्कार माँ, लेकिन ये चमत्कार भगवान ने नहीं, कयामत ने किया है। भगवान के घर देर है, लेकिन कयामत के घर इससे चुटकी में न्याय मिल जाता है। बुलबुल पाने की क्या वाट लगे, मजा आ गया। क्या मुझे कैसे, मुझे किसने बताया? संभाले बिल्लू खुद को, वरना करिश्मा मैडम को पता चल गया कि ये राज किसी को तुमने बताया तो तेरी कयामत आ जाएगी। मेरे खबरें चारों ओर फैले हुए हैं और वो बुलबुल पांडे के थाने के इधर भी मैंने कुछ खबरें सेट किए हुए हैं, तो उसमें से एक खबरी ने मुझे खबर दी। माँ मैं होके आता हूँ, वो कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर। ये कयामत तो बुलबुल के थाने तक भी पहुंच गई। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करके हमें ये बात मैडम सर को अभी ही बतानी होगी। जी पुष्पा जी बोलिए। पगड़ी पहन, पगड़ी पहननी है आपको, मास्क, मास्क पहनना है आपको, मास्क तो जरूरी है ना। क्या पुष्पा जी क्या बोलना चाह रही हैं आप? ट्रॉफी, अवार्ड, तालियां, बहुत बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी ट्रॉफी। सर खुजाना नहीं क्या? पुष्पा जी कल जब आपका व्रत टूट जाएगा ना, तब आप इत्मीनान से बताइएगा, हम अभी जा रहे हैं। जय हिंद। तो अब वक्त आ चुका है जिसका इंतजार हम सभी को काफी दिनों से था, और बेस्ट थाना कंपटीशन के विनर हैं बुलबुल पांडे का थाना जानकीपुरम। और अब रिक्वेस्ट करते हैं बुलबुल पांडे जी को कि वो स्टेज पर आए और अपनी ट्रॉफी एक्सेप्ट करें। हम आप सबके आभारी है कि आपने हमें इस लायक समझा। हमारे थाने की निष्ठा का फल है जो हमें इस पुरस्कार के रूप में मिला है। हमारा थाने का एक एक अधिकारी ने अपना जान तक फूंक दिया है अपने एरिया को क्राइम फ्री करने के लिए। हम चाहते हैं कि बाकी के थाने वाले भी हमारे तरीकों से कुछ सीखे और देश और कानून के हित में काम करें। हाँ, वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे थाने के जो अधिकारी यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए। अरे लाइट चली गई। मैडम देखिए ना, पूरा पूरा FIR बुक रजिस्टर खाली है, एक भी FIR नहीं लिखा है। और अगर एक भी FIR लिख लिया तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है खतरे में आ जाएगा। मैडम आपको FIR लिखवाना है तो एक काम करिए ना, अरे महिला पुलिस थाना जाइए, वो लोग आपके खिलाफ FIR जरूर लिखेंगे। और एक अंदर का बात बताऊं, यहाँ के सारे जो केस है ना, वो हम वहीं तो भेजते हैं, महिला पुलिस थाने, वो लोग आपका FIR जरूर लिखेंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन किसने किया है? पता नहीं मैडम से किसने किया, लेकिन जिसने भी किया बहुत ही अच्छा किया। अब इस बुलबुल पांडे की शामत आएगी। पुष्पा जी, हाँ। वो लोग जीत चुके हैं ट्रॉफी, अब छोड़ दीजिए अपना मौन व्रत, बताइए। आपको पता है पुष्पा जी? हाँ तो बताइए। हम पकड़ते हैं मैडम सर, एक मिनट, हम पकड़ते हैं। हाँ बोलिए पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? हाँ संतु जी ने क्या बोला? संतु जी ने बोला कि बुलबुल पांडे का सामत आ जाएगा। सामत? हाँ हाँ सामत, हाँ हाँ तीन सामत का पहले का दूसरा।
आखिरी के दो शब्द मत मत हाँ क्या मत क्या मत पुष्पा क्या मत क्या मत स्टिंग ऑपरेशन कयामत ने किया है आपको कैसे पता पुष्पा जी बुलबुल पांडे ने महिला पुलिस थाने के साथ बहुत ही गलत किया है स्ट्रिंग के बेसिस पर हम महिला पुलिस थाने को विजेता घोषित करते हैं हसीना मलिक SHO of महिला पुलिस थाना प्लीज कलेक्ट योर ट्रॉफी अब सर माफ कीजिए लेकिन हम पहले कुछ कहना चाहेंगे जी बिल्कुल आइए हम जानते हैं कि बुलबुल पांडे ने जो किया वो बहुत गलत किया लेकिन ये बात हमारी जीत का पैमाना बिल्कुल नहीं हो सकती ये स्टिंग ऑपरेशन एक क्रिमिनल ने किया है और एक क्रिमिनल के सपोर्ट के साथ हम ये कॉम्पिटिशन कभी नहीं जीतना चाहेंगे हम ये प्रतियोगिता जीतना चाहते थे अपने मेरिट के बेसिस पर सांत्वना के बेसिस पर नहीं अगर मेरिट के बेसिस पर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र का क्राइम रेट बढ़ा हुआ है इसलिए माफ कीजिए पर हम ये अवार्ड स्वीकार नहीं कर सकते की हसीना मलिक इस अवार्ड को स्वीकार करने के आप बिल्कुल योग्य हैं वो इसलिए क्योंकि आपने कंपटीशन को ताक पर रखकर दूसरे थाने के केसेस अपने थाने में रजिस्टर किए आपने हमेशा कर्तव्य को हार जीत के ऊपर रखा इसलिए आप ही इस प्रतियोगिता और इस ट्रॉफी की विजेता हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सिस्टम ने हमेशा क्राइम रेट को एफआईआर रेट के ऊपर रखा लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमारे सिस्टम में कुछ परिवर्तन किए जाए और ये अवार्ड उन्हें दिए जाए जो रैंकिंग को देखकर काम ना करें बल्कि अपने काम के बदौलत रैंकिंग पाए जिनके एफआईआर रेट्स और सुलझे हुए केसेस के रेट्स ज्यादा हों हम अपने उच्च अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रतियोगिता के मापदंड को बदलना चाहिए हम सब ने देख लिया है कि हमारे सिस्टम में कितने फॉल्ट्स हैं और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सारे अधिकारियों ने यह फैसला लिया है कि हम अभी से सिस्टम में कुछ बदलाव कर रहे हैं अब से हम ये देखेंगे कि एफआईआर कितनी हुई है और केसेस कितने सॉल्व हुए हैं तो यही पैमाना दर्शाएगा उस क्षेत्र के क्राइम रेट को तो उसके अनुसार यह अवार्ड जाता है महिला पुलिस थाने को जोरदार तालियां हो जाए तो मिस मलिक क्या अब यह अवार्ड आप एक्सेप्ट करेंगी जी सर अरे हम जीत गए खुशी में हम वैसे ही बहुत कुछ कह चुके हैं इसलिए अब सिर्फ इतना कहेंगे कि ये सब कुछ हमारी टीम के बिना मुमकिन नहीं था
आज अगर ये महिला पुलिस थाना है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हसीना मलिक के पास इतनी बेहतरीन टीम है। हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम प्लीज स्टेज पर आ जाए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सच कहें तो आपने जो किया, अगर वो आप नहीं करते तो हमारे लिए प्रतियोगिता जीतना नामुमकिन था। थैंक यू। हमने वही किया जो हमें सही लगा, लेकिन फिलहाल हम बहुत दुखी हैं हसीना जी। क्यों? क्योंकि अब आपका स्थानांतरण हमारे पुलिस मुख्यालय में नहीं हो पाएगा। हमने तो सोचा था चलो इसी बहाने हर रोज आपका दीदार हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं आपके लिए और महिला पुलिस थाना के लिए। इस शहर को महिला पुलिस थाना और हसीना मलिक की हमेशा से जरूरत थी और आगे भी होगी। और महिला पुलिस थाना आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। ये जीत आपने कमाई है। सत्यमेव जयते को सही मायने में परिभाषित किया है आपने। हाँ सर, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स का नजरिया तो आपने बदला है ना। आप तो जानती हैं कि कई बार हमने गलत तरीकों का सहारा लिया है और इसी कारण हमने आपको भी चोट पहुंचाई है। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया है। हम गलत थे और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपका दिल तोड़ा है, कि आप सब कुछ भुलाकर हमें क्षमा कर सकती हैं।